मार्केट में टेक्नो स्पार्क 10 प्रो आ चुका है और आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। 12,500 में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेल्फी आपको इसमें 32 मेगापिक्सल, बहुत सारा चीज़ है इस वीडियो में जो कि इसको ऑलराउंडर में बेस्ट बनाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका बॉक्स है जिसमें क्लियरली आप देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क 10 प्रो और हाइलाइटेशन जो है 128GB इंटरनल मेमोरी और 16GB रैम। स्पेसिफिकेशंस आपको पढ़ना है तो पहुंच करके आप पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स को हमने जैसे ओपन किया, यहाँ पे आपको सस्ता वाला आईफोन का फीलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसमें वारंटी पेपर, एक कवर, टाइप सी चार्जिंग केबल और 18 वाट का आपको इसमें चार्जर मिलता है। 33 वाट नहीं है लेकिन फिर भी ये फास्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे लुक्स देख सकते हैं, बिल्कुल आपको गरीबों वाला जो आईफोन होता है आपको एक एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। पीछे में मैट फिनिशिंग है तो बिल्कुल भी वहाँ पे दाग धब्बा आने का कोई भी चांसेस नहीं है। लुक्स काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको ब्लैक भी देखने के लिए मिलेगा लेकिन फिलहाल मेरे पास वाइट वाला है। थिकनेस की बात करें तो मीडियम थिकनेस है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है। और कैमरा की बम्प की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, मीडियम है। यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम बटन देखने के लिए मिल जाता है और पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप 2 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी डेडिकेटेड सिम स्लॉट है। नीचे के साइड यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है जो एयरफोन का है, माइक्रोफोन है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, सिंगल स्पीकर है। ऊपर के साइड में बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल फ्लैश मिल जाता है, कैमरा का लेआउट है आईफोन की तरह। आगे के साइड में भी आपको सेल्फी में फ्लैशलाइट मिल जाता है तो ये मुझे अच्छा लगा है। वेट की बात करें तो 210 ग्राम है, थोड़ा सा यहाँ पे हेवी है बट इतना चलेगा। तो हमने यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर लिया है, डिस्प्ले जो है काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे जो लुक्स है इसका आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसको आप हटा सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी है, डे लाइट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, इधर से आपको स्टेटस बार एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आएगा। और इसमें आपको अगर ऐड करना है बहुत सारा तो आप नीचे से ये जो प्लस वाले आइकन देख रहे हैं ग्रीन कलर में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है तो ये भी सही चीज़ है। फुल HD 90Hz का डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो कि IPS डिस्प्ले है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। अगर प्राइस 12,500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर जो एप्लीकेशन को आप हटाना चाहते हैं उसको आप हटा सकते हैं। एक चीज़ मुझे अच्छा ये लगा है कि इसमें आपको टेक्नो का खुद का डायलर मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और रैम की बात करें तो इसमें 8GB रैम तो है लेकिन आप इसमें 8GB रैम और बढ़ा सकते हैं, मतलब 8+8 16GB रैम आप इसमें बढ़ा सकते हैं जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 19% ऑलरेडी ये आप कह सकते हैं कि भरा हुआ है इसमें। 128GB में से 24GB इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ले रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 13 मिल जाता है और हो सके फ्यूचर में आपको 14 भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा अगर आ जाता है तो। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, फेस लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिक्योरिटी में सारा सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000mAh बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है, तो 5000mAh बैटरी जो है एक दिन काफ़ी इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। और 18 वाट के चार्जिंग जो है इस फ़ोन को करीब करीब 2 घंटा से पहले आराम से चार्ज कर देगा। 33 वाट रहता तो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट ये फुल चार्ज हो जाता। इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, OTG का ऑप्शन मिल जाता है, तो पेन ड्राइव, माउस, ये सब जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारी चीज़ आप लगा सकते हैं। डिस्प्ले का जो क्वालिटी है, आप अगर उसमें मूवी वगैरह देखेंगे फुल HD का तो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे जैसे कि एक शेडो वगैरह आना होता है उस टाइप का नहीं आएगा, आप किसी भी एंगल से देख लो। और आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, तो IPS डिस्प्ले के हिसाब से जो है डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा लगेगा और इसमें मूवी वगैरह भी आप देख सकते हैं। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे मुझे साउंड थोड़ा सा कम लगा है, मीडियम साउंड आप कह सकते हैं, सिंगल स्पीकर है। बात करें इसकी प्रोसेसर की तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर मिल जाता है जो ये एक पावरफुल प्रोसेसर है गेमर्स के लिए।
अब बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर भी ये जो मीडियम टाइप के जो प्रोसेसर आते हैं, इस टाइप के प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर से आप गेमिंग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। हम बारी बारी से करके अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, जिससे आप नोटिस कर पाए कि ये किस स्पीड से जो है एप्लीकेशन को ओपन कर पा रहा है। तो यहाँ पे यूट्यूब, मैप्स, जीमेल, ये सब जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है और ऑपरेट करने के टाइम में भी कोई भी लैगिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। तो 8 GB रैम के हिसाब से इसका रैम मैनेजमेंट हम चेक कर लेते हैं कि रैम मैनेजमेंट इसका कैसा है। तो सबसे पहले वाले एप्लीकेशन पे चलते हैं जो सबसे हमने पहले ऑन किया था। तो यहाँ पे जहाँ से हमने ओपन किया था वहीं से ओपन हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे मैप्स में आते हैं, तो मैप्स भी वहीं से ओपन हुआ है जहाँ से हमने पहले ओपन करके रखा था। जीमेल भी वहीं से ओपन हुआ है। तो रैम मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। अब बाकी हम दूसरे एप्लीकेशन पर भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैपचैट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, यूट्यूब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो वाकई इसका 8 GB वाला जो रैम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आप और अच्छा रैम मैनेजमेंट चाहते हैं तो आप इसको 8 GB बढ़ा सकते हैं सेटिंग्स में जा करके, तो टोटल 16 GB रैम हो जाएगा, और 16 GB रैम काफ़ी अच्छा काम करता है। तो देखिए ओवरऑल प्रोसेसर और रैम दोनों जो है बहुत अच्छा लगा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 MP का कैमरा मिल जाता है। एक कैमरा है जो आप डेप्थ कैमरा कह सकते हैं। तो कैमरा में सबसे पहले आपको फिल्म मोड मिल जाता है, जिसमें आप शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 2K तक का वीडियो आप शूट कर सकते हैं, जो कि बाकी फ़ोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेजोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और जो क्वालिटी होता है 2K का वो अच्छा होता है। इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर यानी बूके वीडियो जो होता है उसको भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन 720 पिक्सल होगा। और ये जो सैम्पल आप देख रहे हैं ये हम रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग किए हैं, 720 पिक्सल मैक्सिमम है। अब फुल HD में अगर बैकग्राउंड ब्लर होता तो और अच्छा लगता देखने में, लेकिन 720 पिक्सल आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। 10x जूम हो जाता है, आप फोटो में जूम करें या आप उसको वीडियो में जूम करें, दोनों में आपको 10x तक जूमिंग देखने के लिए मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम फोटो लेते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी आप क्लियरली देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल फ़ोटो है, 50 MP मोड से भी हम नहीं लिए हैं। इसमें आपको 50 MP भी मोड मिल जाता है, तो उससे भी अगर आप फोटो लेते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ जाएगा। बाकी यहाँ तरह तरह के आपको ब्यूटिफिकेशन मोड मिल जाता है, नाइट मोड भी मिल जाता है आपको इसमें। मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फंक्शंस मिल जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, ये सब सारे फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। स्लो मोशन में आप 240 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स है, जो बाकी फ़ोन देते हैं वही सेटिंग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप ग्रिड वगैरह, सेल्फी का प्रीव्यू वगैरह और वाटरमार्क ये सब लगा सकते हैं। फुल स्क्रीन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, और बहुत लोग चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में ही फ़ोटो ले, तो उनके लिए कैसा आएगा आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो फुल स्क्रीन का भी सैंपल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका भी क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। और अभी जितने भी हम सैंपल्स आपको दिखा रहे हैं ये इनडोर का है, तो आउटडोर का भी सैंपल्स हम दिखाएंगे। सेल्फी कैमरा इसमें आपको 32 MP मिल जाता है, और यहाँ पर भी आप फुल मोड में सेल्फी ले सकते हैं, और नॉर्मल मोड में भी आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो वाकई 32 MP के हिसाब से सेल्फी काफ़ी इसका अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा फिल्टर भी मिल जाता है, तो बहुत लोग जैसे कि चाहते हैं कि एडिटिंग नहीं करना, तो वो डायरेक्ट फिल्टर को अप्लाई करके फ़ोटो ले सकते हैं, और तरह तरह के फ़िल्टर है इसमें। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें सेल्फी में, तो इसमें भी आप 2K तक का वीडियो जो है शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और पता तब चला था जब हमने 2K वीडियो को रिकॉर्ड करके इसमें प्ले किया था, और जब उसे जूम किया था तो क्वालिटी इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें आपको सेल्फी कैमरा में भी फ्लैशलाइट मिल जाता है, तो आप रात के समय में जैसे कि लाइट वगैरह नहीं है तो इस फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो सैम्पल्स है जो हमने इनडोर में भी लिया है, आउटडोर में भी लिया है, और अलग अलग लाइट कंडीशन में लिया है, पोर्ट्रेट लिया है, तो आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो किस तरह से निकल के आ रहा है। ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो हमने ऑलरेडी इसका फुल डिटेल्स कैमरा टेस्ट अपने चैनल पे करके दे दिया है। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन्स पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जा करके इसको देख सकते हैं।
तो फोटो में जैसा है आपके सामने है, नाइट मोड में कैसा कर रहा है, लो लाइट में कैसा कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है जो कि सैंपल सामने में है। तो ओवरऑल इसका कैमरा अगर देखा जाए 12,500 के हिसाब से तो वीडियो आप 2K तक का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड ब्लर यानी बूके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। 50 मेगापिक्सल मोड से लेंगे तो और अच्छा फोटो आ जाएगा, सेल्फी भी अच्छा है, तो कैमरा भी इसका ठीक ठाक है। तो ओपिनियन की बात करें इस फ़ोन का तो देखिए प्रोसेसर हीलियो G88 पावरफुल प्रोसेसर है, कैमरा भी अच्छा है इसका, बैटरी बैकअप भी अच्छा है आपका और लुकिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है, फिंगरप्रिंट है, चार्जिंग भी ठीक ठाक है टाइप सी। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी। तो अगर आपको 12,500 में मिलता है बेझिझक इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल्स है जिसे हम जूम करके दिखाएंगे जिससे आपको क्वालिटी में कितना डिस्टॉर्शन होगा, क्वालिटी फटेगा कि नहीं फटेगा ये पता चल जाता है। और बहुत लोग जूम करने के बाद ही समझ में आता है कि फ़ोटो क्वालिटी जो है आपको कैसा मिल रहा है, ग्रेन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा होगा कि टेक्नो 10 प्रो जो फ़ोन है वो कैसा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।